Student, this question is expected to come in NEET exam. In figure shown, ये figure DOE paper में, ये plus one, 10 plus one level का question है mechanics का. If magnitude of acceleration of little m is 2 square root capital M meter per second square, given that spring is inextensible and acceleration of capital M is 2 meter per second square towards left, then find this capital M. ये question, ये figure हमें दिया है और capital M acceleration with respect to ground frame towards left दिया है. ये लिखा towards left. मेरे को मैंने फिर लिख दिया towards left given A. अब आप ये देखिए, ये अलग स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन पार्ट्स अलग अलग है. इसकी लेंथ एज्यूम कर लो, इसकी लेंथ एज्यूम कर लो, एक एक स्ट्रिंग की लेंथ आप मान लो. ये स्ट्रिंग की लेंथ मैंने एल एज्यूम की, इस पार्ट की मैंने लेंथ एल वन एज्यूम की, इसकी एल जीरो एज्यूम की. अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये सेंटर टू सेंटर ये एल ही होगा और ये बचा हुआ एक्स जीरो ले लिया. और स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के ऊपर बैठा हुआ है, कैपिटल एम जो है वो ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ है. तो जो जिसके ऊपर बैठा होता है उसी के विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन है. कैपिटल एम ग्राउंड के ऊपर बैठा है तो कैपिटल एम की एक्सेलरेशन ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ अटैच है तो स्मॉल एम की एक्सेलरेशन कैपिटल एम के विद रेस्पेक्ट टू ये ए. अब आपको ये भी ए है, ये भी ए है, ये एक्सेलरेशन कैपिटल एम की ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट टू अलोंग एक्सेसिस जो दी हुई है. अब क्योंकि स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ अटैच है तो जब कैपिटल एम मूव करेगा तो पूरा सिस्टम मूव करेगा. इसको तो कैपिटल एम की अगर एक्सेलरेशन ए है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके साथ अटैच है तो स्मॉल एम की भी एक्सेलरेशन ए ही होगी अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन कैपिटल एम के फ्रेम में, क्योंकि ये इसके ऊपर बैठा हुआ है. तो स्मॉल एम की एक्सेलरेशन कैपिटल एम के विद रेस्पेक्ट टू में ए होगी, लेफ्ट साइड होगी, लेकिन कैपिटल एम की एक्सेलरेशन ए होगी लेकिन ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट होगी, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ है. और जो जिसके ऊपर, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर बैठा हुआ है, तो ए जो है स्मॉल एम की रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, और स्मॉल एम की वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगी. ए1 जो है वो स्मॉल एम की वर्टिकल एक्सेलरेशन है, और ये मैंने एल1, ये एल और ये एल0 अज्यूम किया. एक-एक लेंथ को गिनो, एक-एक को काउंट करो, एल1 प्लस एल प्लस एल0 प्लस एल प्लस एक्स0 इक्वल टू कांस्टेंट, तो कितना हो गया 2l प्लस l1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये L0 X0 दोनों उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे. देखो 2L और ये L0 और ये L2, 2L प्लस L1 और ये L0 X0 उस तरफ जाके माइनस हो गए. X0 कांस्टेंट है, L0 कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन गया, 2L प्लस L1 इक्वल टू कांस्टेंट. स्टूडेंट हम जानते हैं जब भी दो चीजों का सम कांस्टेंट होता है तो एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ती है. अब देखो ये कैपिटल एम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैपिटल एम की मूवमेंट टुवार्ड्स लेफ्ट है. अब कैपिटल एम जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे बाई तरफ जा रहा है, जब ये बाई तरफ जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये घटेगा. अब ये तो भी ऐसे जाई जा रहा है तो एल घटेगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसमें ये नीचे आ रहा होगा तो ये घटेगा ये बढ़ेगा. तो यही मैंने लिखा है, एल विल डिक्रीज एंड एल वन विल इंक्रीज, बट एल जीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. और फिजिक्स में कोई चीज इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव होती है, डिक्रीज होती है तो नेगेटिव होती है. और आपको पता है डिस्टेंस का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, लेकिन उसी डिस्टेंस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है. लेकिन आपने खुद कहा कि एल वन इंक्रीज है, फिगर से ऑब्वियस है, तो डी टू एल वन में डी की स्केल इज प्लस वाई प्लस टू की इंक्रीज है, तो ये ए वन है. और डी टू एल वाई डी टी स्केयर को मैंने माइनस साइन लिखा जो कि एल डिक्रीज है, डिक्रीज हो तो माइनस, इंक्रीज हो तो प्लस. और ये डी टू एल वाई डी टी स्केयर जो है वो मैंने माइनस साइन के साथ लिखा, और डी टू एल वन वाई डी टी स्केयर को मैंने प्लस साइन के साथ लिखा. क्यों? क्योंकि ये एम एम का एक्सेलरेशन वर्टिकल ए वन है और एल वन किया है, तो एल वन के एसोसिएटेड ए वन ए प्लस है क्योंकि ये इंक्रीज होगा इसलिए प्लस है. और ये वाला जो है कैपिटल एम ऐसे जाएगा, ये डिक्रीज है तो ये मैंने माइनस लिख दिया.
अभी इनको दोनों दो बार डिफरेंशिएट किया, सो 2n + 7 = कांस्टेंट, डबल डिफरेंशिएशन विल यील्ड मी 2d2l / dt² + d2l1 / dt² = 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये 2 और d2l / dt² इज -a, और d2l1 / dt² इज + a1 = 0, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, और a की वैल्यू तो अपन को दी हुई है क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a1 कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट लॉ कैपिटल m, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, लॉ कैपिटल m मूव्स इन x डायरेक्शन, स्मॉल m आल्सो मूव्स इन x डायरेक्शन, जो किसके साथ अटैच है, ये x डायरेक्शन है तो ये भी x डायरेक्शन। स्मॉल m की दो एक्सेलरेशन होगी, स्मॉल m की वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी होगी। स्मॉल m की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो इसलिए है क्योंकि वो कैपिटल m के साथ अटैच है, तो स्मॉल m की रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल m है लेकिन अलोंग x एक्सिस, तो लेफ्ट साइड में दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, कैपिटल m का एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड है, स्मॉल m का एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड है, ये तो दोनों का कॉमन होगा, लेकिन ये कैपिटल m का ग्राउंड फ्रेम में होगा और स्मॉल m का a जो अलोंग x एक्सिस होगा वो कैपिटल m के फ्रेम में होगा, लिख दिया ये। सो ब्लॉक कैपिटल m का एक्सेलरेशन a जो है वो ग्राउंड के फ्रेम में है, लेकिन स्मॉल m का एक्सेलरेशन a जो है अलोंग x एक्सिस वो कैपिटल m के फ्रेम में है, तो ये मैंने लिख दिया। और आप देखिए एक हम तो उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा हुआ नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ मेरे से कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन स्मॉल m की जो एक्सेलरेशन है स्मॉल m की, स्मॉल m की एक्सेलरेशन तो ये भी है ये भी है, और एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, आप जानते हैं दो वेक्टर में अगर 90 डिग्री एंगल हो तो वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं, रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो नेट एक्सेलरेशन स्मॉल m की कितनी हो जाएगी, ये लिटिल a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर का अंडर रूट, लिटिल a स्क्वायर और a1 की वैल्यू तो मैंने कंस्ट्रेंट इक्वेशन से प्रूव की 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्वेश्चन में दी दे रखी है, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे भी a 2 रख दो, यहां पे भी 2 * 2 4, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 20, 20 का बोलते हैं 4 * 5, 4 * 5 में 2 रूट 5, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आए, और क्वेश्चन में दे रखी है 2 रूट 10, तो ये 2 रूट 10 दोनों को कंपेयर किया तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जो है वो 5 है, तो ये आंसर है, थैंक यू।